क्या खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ यूपी तक पर वायरल खबरों के शो के साथ जिसका नाम है आज क्या है वायरल। कल यूपी बीजेपी और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बकायदा आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने एक बुजुर्ग से सवाल पूछा। मोदी जी देश में पहला प्रधानमंत्री हमारे देखने में नेहरू समय से आए हैं, जितना ईमानदार और योग्य व्यक्ति। ईमानदार है? हाँ। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया। ये तो भाई जो भी जो संप्रदाय का होता है अपने धर्म के लिए करता ही है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप सुनने में आया है कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे? हाँ, 500 रुपए लड्डू मैंने बांटा था, गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, भाई जाए रखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे भावनात्मक लगाव है मेरा। इसको शेयर करते हुए संबित पात्रा लिखते हैं कि जनता जनार्दन का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान, विश्वास एवं गर्व का ये उदार भाव अद्भुत है। बहुत अच्छी और मस्त लाइन है। यूपी बीजेपी लिखती है, देश की जनता की ऐसी भावनाएं हैं प्रधान सेवक के प्रति। वाह, क्या बात है। लेकिन तभी उनके कमेंट बॉक्स में देखने पर आपको सेम चित्रा त्रिपाठी और एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके साथ वो बातचीत कर रही थी उनका सेम इंटरव्यू देखने को मिलेगा जो थोड़ा हैरान करने वाला है। सुनिए जरा। 5 यूनिट में 3 यूनिट गायब है, 2 यूनिट का राशन मिलता है, फ्री वाला राशन मेरा भी नाम गायब है जो कि मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। फ्री वाला राशन आपको नहीं मिलता? नहीं मिला है। तो आपने कहा नहीं यहाँ पे लोगों से? वो 3 बार पहुँचाए वहाँ सप्लाई ऑफिस जो BDC है उसके हाथ से ही पहुँचवाया। आपको फ्री में राशन नहीं मिलता है तो भी आप मोदी जी के एकदम फैन है? भाई हम देश के फैन है, देश के फैन है। राशन कौन नहीं दे रहा अधिकारी यहाँ का? अधिकारी सप्लाई अधिकारी और कलर वो बदमाशी कर रहा है, वो नाम नहीं दर्ज किया। तो मतलब वाह, वीडियो का पूरा सेक्शन तो संबित पात्रा या यूपी बीजेपी ने शेयर किया ही नहीं, छोटा सा चंक उठाया और उसे वायरल कर दिया जिसमें मोदी जी की तारीफें। लेकिन लोकल प्रशासन को लेकर क्या कहा उस बुजुर्ग ने, इस बात को तो शेयर उन्होंने किया ही नहीं। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तहसील चौराहे पर लगी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर कुछ शरारती तत्वों ने देर रात भाजपा का झंडा लपेट दिया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा जैसे ही लपेटे जाने की सूचना राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को मिली, उनमें भारी आक्रोश देखा गया। उस रात में ही प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए। ये अभी हमें आधे घंटे पहले अवगत हुआ कि किन्हीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर झंडा बांधने का काम करा, वो भी चेहरे पर, जो कि इस देश के महापुरुषों में गिनती है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने हापुड़ जनपद में जन्म लिया गांव नूरपुर में, और इसी जिले से वो प्रधानमंत्री बन के गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी आत्माओं से खेला गया। जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने पहले कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया, फिलहाल CCTV की जांच की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खूब शेयर किया। अब चुनावी काल में ऐसे स्टंट वाकई कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भैया, चुनाव को देखते हुए सपाइयों ने सोशल मीडिया पर नए तरीके से प्रचार करने की ठान ली है। नतीजा ये निकला कि अलग अलग तरह के कैंपेन स्टार्ट हो गए, कुछ सपा के हैं तो कुछ एडिटेड वर्जन। लेकिन उससे पहले जरा देखिए इनके पोस्टरों को, कहीं लिखा है सांड से लड़कर दुर्घटना से मौत होने पर 5 लाख का मुआवजा देगी सपा सरकार। दूसरा ऑफर, साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर 5 लाख का मुआवजा देगी सपा सरकार। वहीं तीसरा, सपा सरकार बनी तो गंगा पार करते कानपुर से उन्नाव तक बनेगी मेट्रो। चलिए यहां तक ये सब सीरियस था, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ और सपा के पोस्टर जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं। जैसे इसे ही देख लीजिए, कन्या से 1 वर्ष के अफेयर के बाद ब्रेकअप होने पर कन्या पर किए गए खर्चे का मुआवजा देगी सपा सरकार, बताइए। हालांकि इस तरह के एडिटेड किए गए पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो भैया ये था आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुन लीजिए कि अब यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट में मिलेंगे। बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।